सच्चाई है कि अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का कोई प्लान ही नहीं है इनका, ना इनकी नियत है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले, जैसे कांग्रेस पहले आके प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटती थी, कांग्रेस कम से कम कुछ कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो देती थी, आज तो इन्होंने सिर्फ पोस्टर्स लगा दिए चारों तरफ कि जी हमने कर दिया कर दिया कर दिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं है। क्या यह अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण है? नहीं, यह न तो अनाधिकृत कॉलोनियों का और न ही निर्मित क्षेत्र का नियमितीकरण है। मतलब पोस्टर्स पे कह रहे हैं चारों तरफ अनाधिकृत कॉलोनियों को अब सब नई अधिकृत कॉलोनियों में बदल दिया है, ये झूठ बोल रहे हैं पोस्टर्स पे। मुझे लगता है हरदीप पुरी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने कम से कम दिल्ली वालों की आंखें चुनाव से पहले खोलने का साहस दिखाया है, वरना उनकी पार्टी, उनकी तमाम नेता दिल्ली की जनता से, दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाली जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं। अखबार में आप लोग भी कई जगह लिख रहे हो कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, लोग वो नहीं कर रहे, फॉर्म नहीं जमा कर रहे हैं। आज भी सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था 100 फॉर्म जमा हुए हैं। हमारी खबर है एक्चुअली 100 भी जमा नहीं हुए हैं, 100 फॉर्म भी जमा नहीं किए हैं। 14 दिन हो गए आज, 14 दिन में इन्होंने होल्डिंग तो 14,000 लगा रखे होंगे पूरी दिल्ली में, लेकिन एक्चुअली 100 फॉर्म भी जमा नहीं हुए हैं। हम पहले भी कह रहे थे और आज फिर कह रहे हैं कि लोगों को वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर नहीं चाहिए, अपने व्हाट्सएप पे कोई वेबसाइट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन का साफ सा मतलब है कि आप इस पर रजिस्ट्रेशन करो, मनीष सिसोदिया मेरा एड्रेस ये है, कुछ भी एड्रेस लिख दो, एक कॉलोनी सेलेक्ट कर लो 1731 में, वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, जनता इस बात को नहीं मान रही, जनता इस झांसे में नहीं आ रही, लेकिन ये फिर भी चारों तरफ कहे जा रहे हैं अनऑथराइज कॉलोनी हमने। चुनाव से पहले इस तरह का झूठ, सफेद झूठ मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में।